एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, चीजी पास्ता बनाएंगे, एकदम इटालियन स्टाइल में बनाएंगे। कुछ लोग इंडियनाइज भी कर देते हैं इस रेसिपी को, पर आज हम एकदम सिंपल इटालियन वर्जन ही बनाएंगे पास्ता का। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने पास्ता लिया है, बहुत अलग अलग टाइप के पास्ता होते हैं, मैंने यहाँ रोटीनी पास्ता लिया है। यहाँ मैंने कुछ लंबे कटे हुए फ्रेंच बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च लंबी लंबी काट ली है। आप चाहें तो ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कई वेजिटेबल्स हैं जो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ये लहसुन है जिसको मैंने क्रश कर लिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। ये मैंने तीन छोटे टमाटर हैं जिनका को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये एक छोटा प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये चीज़ है जो श्रेडेड है वो लिया है। तेल, नमक, इटालियन सीजनिंग या फिर मिक्स्ड हर्ब्स के नाम से भी मार्केट में मिल जाता है, वो मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग लेंगे। काली मिर्ची का पाउडर लेंगे और इसके अलावा ये क्रश्ड रेड पेपर लेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पास्ता उबालने के लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है, देखिए पानी उबलने लगा है। इसी टाइम पे पास्ता डालेंगे, अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो पास्ता चिपक सकता है। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ थोड़ा अभी पास्ता के लिए, और ये पास्ता उबलते हुए पानी में डाल देंगे। पानी ज़्यादा लेंगे क्योंकि एनीवे हमें पानी को ड्रेन करना है। जब तक पास्ता बॉयल होता है अपन दूसरी स्टेप पे काम करते हैं। यहाँ मैंने पैन में तेल लिया है, ये सारी सब्जियाँ उसमें डाल देंगे और उन सब सब्जियों को फ्राई होने देंगे। सब्जियों में मैं नमक और काली मिर्च डालूंगी। और इन्हें फ्राई होने देंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए। सब्जियां फ्राई हो गई हैं, इन सब्जियों को हम अलग से निकाल देंगे। सब्जियां फ्राई की हुई साइड में लगा रख दी हैं। अब सेम पैन में वो जिसमें ऑलरेडी तेल है उसमें हम प्याज और ये जो लहसुन का पेस्ट है वो डालेंगे और उसे फ्राई होने देंगे। तेल जो यहाँ यूज़ किया है, आइडियली ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, मैं भी यूजुअली ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, पर आज अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं रेगुलर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। देखिए प्याज और लहसुन फ्राई हो गया है, इस टाइम पे हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे और बाकी के मसाले भी डाल देंगे। ये इटालियन सीजनिंग मिक्स हर्ब्स डाल दूंगी मैं यहाँ। ये जो क्रश रेड पेपर है ये भी डाल देंगे। हरा धनिया, नमक, याद रखें नमक हमने पास्ता में भी डाला है और सब्जियों में भी डाला है इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इसे पकने देंगे इस पूरे मिक्सचर को ढक के, ताकि अच्छे से सॉस तैयार हो जाए। सॉस को हमने करीब 10 मिनट तक पकने दिया था। देखिए एकदम अच्छे से हो गई है, एकदम थिक भी हो गई है। इस टाइम पे ये देखिए पास्ता अब डालने का टाइम आ गया है। ये पास्ता हमने करीब 15 मिनट बॉईल किया था और पानी निकाल दिया है। पास्ता रेडी है, वेजीज रेडी हैं। अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। वेजीज डाल देंगे, पास्ता डाल देंगे और हम इसमें चीज़ डालेंगे। ये जो ग्रेटेड चीज़ है ये डालेंगे और ये ग्रेटेड चीज़ अब मेल्ट होने लगेगा तो इसमें फ्लेवर देगा और इसे मिक्स करेंगे हम। गर्मा गर्म पास्ता रेडी है। इसके आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया या बारीक कटा हुआ पार्सले डालें, ट्रेडिशनली पार्सले डाला जाता है। अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये और अगर हमने ऑलरेडी चीज़ डाला है चाहें तो थोड़ा सा और डाल दें ऊपर से, जितना चीज़ होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों और फैमिली सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।